हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। नाम आपका स्वागत है। रेलवे के जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं, आईए एलपी हो, टेक्निकल ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हुआ, अभी न्यू वैकेंसी आई है, आरपीएफ की कांस्टेबल 15 से स्टार्ट हो गई है। तो केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इससे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इन क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपके पास, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणु या अणुओं के आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो की संख्या। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉपर के एक अणु में कितने मोल होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, सॉरी मोल नहीं, परमाणु कितने होते हैं? तो इसका ऑप्शन सी है 6.022×10³। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं, कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका भी आंसर 20 ऑप्शन सही है, 6.022×10³ अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है और सल्फर की मात्रा कितनी दे रखी है, 16 ग्राम मात्रा दे रखी है। मोलों की संख्या बताना, मोलों की संख्या मतलब मात्रा बटे द्रव्यमान, मात्रा बटे द्रव्यमान। तो मात्रा कितनी है हमारे पास? 16 है और द्रव्यमान कितना? 32 है। तो कितना आ गया? 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 का मतलब 0.5। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, 0.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? मोलों की संख्या बाहर बटे अनुभार, तो बाहर बटे अनुभार, तो बाहर कितना रखा? 60 ग्राम रखा, और हीलियम का अनुभार कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो इसका कितना आ गया? 15। तो ऑप्शन सी क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बताई थी अभी, भार बटे अणुभार। तो हमारे पास ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसका हम अणुभार निकालेंगे। पहले अणुभार निकालें, सी कितने होते हैं? 12×6 हो गया, प्लस 12×H का 1, प्लस 6×16 होके कितने होते हैं? 16। तो कितना आ गया? 180 आ गया, 180 आ गया। इसको कितने दे रखा? 540 बटे कितना हो गया? 180। तो काटे कितने बार जाएगा? 3 बार। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवोगाड्रो की संख्या किसके तुल्य है, मतलब किसके तुल्य है? ये मैंने पहले बता दिया था, 6.002×10³, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवोगाड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती, किसके द्वारा निरूपित की जाती है, किसके द्वारा निरूपित की जाती है? एन जीरो के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कार्बन निम्न में से किस तत्व के लिए प्रत्येक में दो अक्षर शामिल है? दो कार्बन का सिग्नल नोट करते हैं, सी से, आयोडीन को आई से, लोहे को एफ ही से, और फ्लोरीन को एफ से। तो दो अक्षर किसमें प्रत्येक है? लोहे में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, बर्जीलियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? जो पहले जैसे क्वेश्चन है, तांबे का बोलते हैं Cu, कार्बन को Cu, क्लोरीन को Cl और कैल्शियम को Co। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या है? दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? बड़े अक्षरों में। ठीक है, बड़े अक्षरों में, अभी जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? बिस्मिथ है, एंटीमनी है, या सेलेनियम है, या आयरन है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी एंटीमनी। ठीक है, उपधातु एंटीमनी है। निम्न
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व न तो धातु है न ही उपधातु है, कौन सा तत्व है जो न धातु है जी, ठीक है ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धातुओं के पतले तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, धातुओं के पतले तार में ढलने मतलब कि उनको बनाने के लिए विशेषता क्या कहलाती है, क्या कहलाती है तन्यता, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है अघात वर्धनता, ठीक है ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीली है, लचीली है कौन सी है यानी एजी, ठीक है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन आपके पास, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया, जस्ता तांबा कार्बन या सोडियम, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 20वां क्वेश्चन देखिए, सबसे नम्य तन्यशील धातु क्या है, क्या है अभी बताया था कार्बन, ठीक है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सॉरी सही आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है मैलीएबल के गुण को दर्शाता, किसके गुण को दर्शाता है, किसके गुण को दर्शाता है, गैर धातु को, धातु को, गैर धातु को, धातु को, गैस को, या गैस को, या गैर धातु के यौगिक को, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, कौन सा होता है, सोना, चांदी, गैलियम या जर्मेनियम, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा गैलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्या क्या होते हैं, उधर्मी होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या अम्लीय और क्षारीय दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर है अम्लीय होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धातु ऑक्साइड पर आमतौर पर क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, क्या जाता है, GaAs को, ठीक है ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है, उपधातु है शीशा, ब्रोमीन, सोना, क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से उपधातु गुणधर्म है, ये ध्वनियात्मक होते हैं, एघात वर्धनी होते हैं, अर्धचालक होते हैं या तन्य होते हैं, ये क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उर्ध्वपातन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड क्लोरेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, ऊर्ध्वपातन होने से बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफेथ्रिन या कपूर, ऑप्शन ए सही आंसर है बर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करते हैं, कौन सी विधि है जो जल को पंकिल जल से अधिक करते हैं, पंकिल जल क्या होता है, पंकिल जल होता है जैसे कीचड़ वीचड़ का जल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कौन सा निषेधन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा निषेधन। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, अभी बताते हैं अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अभी बताया था क्या बताया था अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है, अभी बताया था ये ऑप्शन द्वारा रिपीट हुआ बर्फ, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में कौन से विधि द्वारा जल को अलग करती है, अभी बताया था निस्यंदन, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34वां, जल के शोधन की में किस कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्राशन का, विपरीत प्राशन का, साइटोलिसिस का है, या दरगर दाब का, तो किसका विपरीत प्राशन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35वां, निम्न में से किसे जल शुद्ध बनाने के लिए हेतु प्रयोग किया जाता है, किसे क्या जाता है, स्फीति दाब को, प्राशन दाब को, रिवर्स प्राशन को, साइटोलिशियस को, किसे किया जाता है हमारे पास, और तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रिवर्स प्राशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विलवणीकरण या डिसैलिनेशन क्या है, यह पर्यावरण की सफाई का प्रक्रिया है, यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, यह कैफीन हटाने की प्रक्रिया, यह सड़ने छेद करने की प्रक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दो से अधिक पदार्थ एक सजातीय श्रेणी सजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विलयन, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, फ्लोरीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, निम्न से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन तो है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, चाक, संगमरमर, हीरा, जिसमें क्या है हमारे पास, हीरा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 42वां, स्कॉट चिकित्सक डैनियल रफोर्ड ने 1772 में किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी, हीलियम की, क्लोरीन की, किसकी थी, नाइट्रोजन की, ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का एक है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, अमोनिया का मतलब NH3, अमोनिया सूत्र क्या होता है, NH3, N का कितना दिया उसने 14 प्लस 3, H का कितना होता है 1, 14 और 3 कितना होगा 17, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखिए, सामान्यता परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, या केवल न्यूट्रॉन, क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 45वां, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इसकी होती परमाणु नाभिक की, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पॉजिट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी, प्रोटॉन की थी, इलेक्ट्रॉन की थी, न्यूट्रॉन की थी, न्यूट्रॉन की, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कब की थी, 1932 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, नील्स बोर ने, जे थॉमसन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, आंसर बोर ने, किसने की थी, जे थॉमसन ने, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होते हैं, कितने होते हैं, इसका याद रखना, ये वैसे भी याद होगा 10th क्लास का, 1.6×10⁻¹ कूलम, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 50वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था,
आंसर हार्वर्ड के, जॉन डॉल्टन के, जेजे थॉमसन के, गोल्डस्टीन के। तो ऑप्शन सी आंसर है, जेजे थॉमसन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसका वर्णन नहीं करता? नाभिक की उपस्थिति, परमाणु के आवेश, परमाणु का स्थायित्व, इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व। नाभिक की उपस्थिति भी करता है, आवेश भी करता, उपस्थिति भी करता, लेकिन स्थायित्व को नहीं करता। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के पृथक्करण का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, परमाणु नाभिक की, इलेक्ट्रॉन की। तो परमाणु नाभिक की होती, परमाणु में नाभिक की होती है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के पृथक्करण का प्रयोग परमाणु स्वरूप किसकी खोज हुई थी? और तो परमाणु में नाभिक की खोज हुई थी, अभी क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों की किस पर डाला गया था? एक पतली जो कण है वो किस पर डाला गया था हमारे पास, किस पर डाला गया था? सोने की पन्नी पर, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी नाभिक के भौतिक का जनक कहा जाता है? नील्स बोर को, ई रदरफोर्ड को, जेजे थॉमसन को, चैडविक को। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने जा सकने वाले परमाणु की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया गया है? किस होता है? टू एन स्क्वायर। इसको फॉर्मूला को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो क्या होता है? टू एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या हमारे पास क्या होती है, हमने पढ़ा था के एल एम एन होती है। तो एम का पूछ रहा, एम कैमे नंबर पे हमारे पास, तीसरे पे है हमारे पास। तो हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ दिया टू एन स्क्वायर, यानी कि दो गुणा एन की पावर दो का मतलब हो गया नौ। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाए, नौ हो गया, तो नौ दुनी 18। तो ऑप्शन नंबर किस मार रहा है, सी मार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम सेल में समझ के इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है? अभी बताया था क्या होती है, 18 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? देखो क्या पढ़ा था हमने, के एल एम एन पढ़ा था। कौन से नंबर पे, के एल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, क्या होता है, के एल एम एन। एन के नंबर पढ़ा, चौथे पे, यानी कि हमारे पास एन का मान कितना हो गया, 4। तो हमारे फोन नंबर क्या होता है, टू एन स्क्वायर, दो गुणा चार का वर्ग कितना हो गया, 16। 16 दुनी कितना हो गया, 32। 16 दुनी 32। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरी कक्षा को किसके किस सेल के रूप में निरूपित किया जाता है? के एल एम एन, तो हमने पढ़ा था के एल एम एन। तो तीसरे पे कौन सा आ रहा है हमारे पास, एम आ रहा था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम कितनी होती है? यानी कि एन का मान कितना दे दिया, 4। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, टू एन स्क्वायर। तो एन का मान कितना, 4, एन दो गुणा चार दुनी चार चौक 16, कितना आ गया, 32। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, किसी क्रिप्टन परमाणु संख्या 36 है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विशेषण क्या होगा? हमारे पास होता है 2.8, तो 18.8। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तड़े सुना क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता की एक कण की स्थिति को क्या कहते हैं? खोज प्रकाश के छोटे तरंग दैर्ध्य को उपयोग से हटाया जा सकता है, खोज प्रकाश के बड़े तरंग दैर्ध्य के उपयोग को हटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा जो उच्च ऊर्जा है, जांच कणों का उपयोग को घटाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप में अंतर्निष्ठ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64वां क्वेश्चन क्या है,
नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कैसे? 7N14। ठीक है, यही तो होता है हमारे पास, तो इसकी कितनी होती है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 95वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 15 और 22 कितने होते हैं? 37। तो ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या के, द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, तो परमाणु के केंद्र प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? N होगी, यानी कि एक परमाणु संख्या को N ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? 14.007 ग्राम प्रति मोल। हाइड्रोजन कितना होता है? 1.00794 ग्राम प्रति मोल। लिथियम का कितना होता है? 6.941 ग्राम प्रति मोल। और इसका हीलियम कितना होता है? 4.... देखो किसकी, अब हमें पता लग जाए किसकी है, हाइड्रोजन सबसे कम किसकी है? हाइड्रोजन की। इन्हें याद रखना है, ये हाइड्रोजन और अधिकतम, मतलब अधिकतम पूछता है और सबसे कम पूछता है, न्यूनतम पूछता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आइसोबार कहलाती है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लाइड्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आइसोबार। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो, उसे शून्य हो, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान। ठीक है, परम शून्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, प्लेटियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो कौन सा नहीं है? टाइटेनियम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? मैरी क्यूरी को वो मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, किसकी खोज पे मिला था? रेडियम की खोज पे। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? हेनरी बैकुरेल ने, हेनरी बैकुरेल ने। जल्दी जल्दी करते हैं, 75वां क्वेश्चन देखिए, 75वां क्वेश्चन क्या, हेनरी बैकुरेल ने किसकी खोज की थी? अभी बताया था, रेडियो धर्मिता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? किससे किया जाता है? पिच ब्लेड से। ठीक है, पिच ब्लेड से। ऑप्शन डी सही आंसर है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, 77वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट के समस्थानिक का, आयोडीन के समस्थानिक का, यूरेनियम के समस्थानिक का, तांबे के समस्थानिक। तो ऑप्शन ए क्या सही आंसर, कोबाल्ट के समस्थानिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? कौन सा है? यूरेनियम और प्लेटिनियम। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? कि कौन सा नहीं है? पानी में घुलनशील, पेट्रोल में अघुलनशील, ये तो सही है, कम गलनांक और क्वथनांक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा, कम गलनांक और क्वथनांक। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। फास्फोरस कितने होते हैं? 5 होते हैं। 82वां क्वेश्चन देखिए, 82वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक एक गुणधर्म गुणधर्म है? ऑप्शन ए है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, यह कठोर है, आसानी से नहीं टूटता, यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, या मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे लायकों में घुलनशील है। तो ऑप्शन ए क्या सही आंसर है, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता, उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SnCl2 प्लस 2 HgCl2 एरो Hg2 Cl2 प्लस SnCl4, ये HgCl को ऑक्सीकृत करता है, या SnCl2 को ऑक्सीकृत हो जाता है, या Hg2Cl2 को ऑक्सीकृत हो जाता है, या SnCl2 अपचायित हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, सही आंसर है SnCl2 क्या ऑक्सीकृत हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकृत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, H2O2 प्लस Cl2 H2SCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, एक अमल के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, क्षारक के रूप में, अपचायक के रूप में। तो ऑप्शन सी क्या आंसर है, अपचायक के रूप में। निम्नलिखित धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है, CA कैल्शियम एल्युमिनियम निकिल या Pb यानी कि लेड। तो ऑप्शन ए क्या सही आंसर है, कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है, कौन सी करती है, ऑप्शन डी जस्ता करती है, ठीक है। प्रबल अम्ल के विलयन में होते हैं अणु और आयन दोनों, ज्यादातर आयन, ज्यादातर अणु, या ज्यादातर पानी, कौन क्या होते हैं हमारे पास, ज्यादातर आयन होते हैं, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, लिटमस को प्रभावित नहीं करता, नीले लिटमस को लाल कर देता है, दोनों लाल और नीले लिटमस को प्रभावित करता है, या लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन बी क्या, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89वां, प्रबल अमल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन ए प्रबल अमल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वादन नमकीन होता है, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं, सबल अमल, दुर्बल अमल, या हाइड्रोजन अनोक्सी अमल, या तनु। तो ऑप्शन क्या सी है, सही है हमारे पास, अनोक्सी अमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक सांद्र अमल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तनु अमल में पानी, सांद्र अमल में पानी, सबसे पहले अमल में पानी और फिर पानी में अमल, या पानी में सांद्र अमल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर, पानी में सांद्र अमल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अमल को गुण नहीं है, कौन सी, यह अमल का स्वाद खट्टा होता है, सही बात है, अमल का स्वाद कड़वा होता है, जो खट्टा होता है कड़वा नहीं होता, सही है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रूप में क्षार्य है, NOH, देखो HCl हमारे पास क्या होता है, H2O में निकालते हैं, H होता है, H2O में निकालते हैं, तो क्या होता है, H तो अमल होता है, और OH क्या होता है हमारे पास, ये धनायन होता है, ऋणायन होता है, ये क्या होता है, क्षार होता है, ये क्या होता है, अमल होता है, तो NOH ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही। निम्न में से विषम की पहचान कीजिए, NOH, COH का होल ट्वाइस, NH4H, या ZNOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर है, ZNOH का होल ट्वाइस, उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, ठीक है। नेक्स्ट, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अमल प्रतिक्रिया के करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड का को बताइए जो अन्य से भिन्न है, CaO, MgO, NO2 या Al2O3। तो ऑप्शन क्या सी है, इसमें Al2O3 भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, फेनोफेथेलिन साबुन घोल के में गुलाब बन जाता है, बात सही है, गैर मेटलिक ऑक्साइड प्रकृति में, ये भी सही है,
नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम की उपस्थिति के कारण होती है, गलत। ऑप्शन डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा, गलत पूछा था इसने, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है, अभी हम लोग साथ प्रयोग करते हैं और उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं, सही बात है। वे लाल लिटमट्स को नील रंग परिवर्तित करते हैं, ये भी ठीक है। वे नील लिटमट्स को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं, गलत। तो वे नीले रंग में लाल को परिवर्तित करते हैं, उनका स्वाद कड़वा होता है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय विलयन नहीं है। कौन सा लवण अम्लीय है, क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, इसका भी सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम फॉस्फेट भी नहीं है, क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट अम्लीय है। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा क्या है, एक उदासीन लवण, एक क्षारक, एक अम्लीय लवण, क्या है, एक क्षारीय लवण है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आज के 100 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएलपी में बार बार पूछे गए हैं, टेक्नीशियन बार बार पूछे गए हैं और ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं, उम्मीद है कि आरपीएफ में भी आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो नेक्स्ट वीडियो को, तो चैनल हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।